में 26 अक्टूबर वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे के हवाले से मनाया जाता है और इस साल का थीम है द पावर ऑफ ऑप्शंस, यानी आपके पास चॉइस है। मियां बीवी मिलकर बच्चों की तादाद और खानदान की खुशहाली के बारे में फैसला करें। मुशावरत और खानदानी मंसूबा बंदी की बदौलत ही एक खुशहाल घराने का कयाम मुमकिन बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शबान और एक नए प्रोग्राम के साथ हम मौजूद हैं लाहौर के एक मशहूर बाजार में। मियां बीवी का आपस में बात करना और सोच समझकर बच्चों की तादाद का फैसला करना कितना जरूरी है, खानदानी मंसूबा बंदी की सहूलियात और तरीकों से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ आप आज जान सकेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुबैर। क्या करते हैं? मैं आपकी जॉब करता हूँ। शादी हो गई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह। बच्चों के हवाले से सवाल करेंगे कि खानदानी मंसूबा बंदी मियाँ और बीवी के लिए शादी से पहले या शादी के बाद कितना ज़रूरी अमल है, और जैसे कि आजकल पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है, तो हमें ये चीज़ को साथ लेके चलना होता है, आपके हिसाब से ये चीज़ कितनी ज़रूरी है और शादी से पहले मुशावरत कितनी ज़रूरी है मियाँ बीवी के लिए? नहीं, शादी से पहले तो मैं यही कहूँगा कि शादी तो फैमिली की मर्जी से ही होनी चाहिए। हाँ, अलबत्त मंगनी के बाद अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो ठीक है, बेटर है। महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब ने अपने कुछ फलाही मराकज बनाए हैं जिनमें वो माने हमल की सहूलियात देते हैं, आपने कभी वो सहूलियात से फ़ायदा उठाया है या अपनी बेगम को लेके गए हैं या कभी किसी को मशवरा दिया है? नहीं, मैंने इस तरह से नहीं अभी कोई, मतलब आपने कभी फ़ायदा नहीं उठाया? नहीं। और आपने कभी इसको विजिट भी नहीं किया? नहीं। लेकिन आपको विजिट करना चाहिए, महकमा बहबूद आबादी के मराकज ने बहुत अच्छी अच्छी सहूलियात दी हुई हैं माने हमल की, और ये एक औरत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और आपको इस पे अमल करना चाहिए। अच्छा, 26 सितंबर को वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे मनाया जाता है, आपको पता है कि ये किस हवाले से मनाया जाता है? मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, कम उम्र की शादी से हवाले से सवाल करते हैं कि कम उम्र की शादी का देहातों में बहुत ज़्यादा रवाज है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए, बेटियों की कम उम्र की शादी कर देते हैं तो उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपके हिसाब से ये अमल कितना बुरा है और इसको किस तरह रोकना चाहिए और ये अमल अच्छा नहीं है? अभी इस तरह के कम से कम बेटी जब बालिग होने का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद अगर शादी होती है तो इशू कोई नहीं है। 20-25-3 के नियर अबाउट जो है ना बेटियों की शादी, इससे पहले शादी जो है होती हैं देहातों में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत आयशा से शादी हुई है 13 साल की उम्र थी तब, लेकिन तब माहौल और था, अभी और है, लेकिन ये शादियाँ होनी नहीं चाहिए अभी। जी अच्छा, अगर मतलब कर भी देते हैं तो बाद में उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है अपने ससुराल में जा? अभी ये तो अब ससुराल पर डिपेंड करता है, ससुराल कैसा मिला। ससुराल जैसा भी मिले, बहुत से मसाइल होते हैं, जुल्म व ज़्यादती करने लग जाते हैं, छोटी उम्र में उनको अक्ल समझ नहीं होती, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनको पालना कैसे है, ये भी बहुत से मसाइल होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, एक पढ़ी लिखी माँ पढ़े लिखे माशे को जन्म देती है, आपके हिसाब से बेटियों को तालीम देना कितना ज़रूरी है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के बगैर तो ना बेटियाँ जो हैं बिल्कुल नहीं, कम से कम बेटी को FA BA तक लाजमी एजुकेशन देनी चाहिए। उनको एजुकेशन देने के क्या फ़वाद हो सकते हैं? जारी बात है, अगर आप बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आपकी आगे नस्ल पढ़ेगी, क्योंकि बाप ने तो पढ़ के सारा दिन बाहर रहना है, कमाना है सारा घर को, बच्चों को तो माँ ने पालना है, उसको पढ़ाना उसका सारा कुछ ये माँ पर डिपेंड करता है। अच्छा, आप अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत और शफकत का इजहार कैसे करते हैं? अभी फ़िलहाल तो अल्लाह ताला ने दी नहीं, अगर दी तो इंशाल्लाह उनको बेटियों को बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला एक बेटी दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आजम ज़िया। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूं प्राइवेट सेक्टर। शादी होगी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज का रेंज? लव मैरिज। अच्छा, वेरी गुड। कितने बच्चे आपके? मेरे माशा दो बेटे हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से सवाल करेंगे कि खानदानी मंसूबा बंदी कितनी ज़रूरी होती है एक शादीशुदा जोड़े के लिए, जैसे कि आजकल महंगाई का भी दौर है और हमें इस चीज़ को साथ लेके चलना होता है। जी, शादी से पहले जो है ये यानी खानदानी मंसूबा बंदी के बारे में, क्योंकि हमारा एक उस कल्चर ऐसा है कि हम लोगों में ये चीज़ इतनी यानी कॉमन नहीं है कि शादी से पहले इस तरह की बात की जाए। हाँ, ये है कि जैसे आप शादी हो जाती है उसके यानी कि जब आप अपनी फैमिली को यानी कि बढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो आपको उस टाइम से सोचना चाहिए और इसको ज़रा देखना चाहिए कि जैसे कि आप कह लें कि जितनी आपकी कफालत हो, आपकी इतनी हो, इनकम ऑफ सोर्स हो, अगर तो आपकी इनकम ऑफ सोर्स बेहतर है, आप वेल हैं, तो
आप जितने मर्जी कर लें, लेकिन ये है कि आजकल जो दौर चल रहा है, जो इस तरह की महंगाई चल रही है, तो मेरे ख्याल से वो जो कहते हैं दो बच्चे दो ही अच्छे, तो मेरे ख्याल से दो बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर तरीके से आप कर लें तो यही बहुत बड़ी नीमत है आपके लिए। अच्छा, महकमा बहबूदी आबादी ने अपनी माने हमल अद्वियात की सर्विसेज मुफ्त दी हुई हैं और हर हॉस्पिटल में फराही मराकजों में वो सर्विसेज मुफ्त दी जाती हैं, आप उन सर्विसेज से फ़ायदा उठाते हैं? नहीं, कभी इतफाक नहीं हुआ। जैसे ये है कि सेंटर्स वगैरह बिल्कुल देखे हैं मैंने चंद जगहों पे, लेकिन ये कभी इतफाक नहीं हुआ उसके पास जाने का या इस तरह का कुछ। अच्छा, 26 सितंबर को वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे मनाया जाता है, आपको इस हवाले से कोई आगाही है? नहीं, कोई ऐसा इलम नहीं। अच्छा, आजकल देहातों में कम उम्री शादी का रिवाज है, बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जबकि ये अच्छी बात नहीं है और बच्चियों को आगे जाके बहुत सी मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों ही, बल्कि क्योंकि दोनों को अभी इतनी सेंस नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती कि, लेकिन बात यह है कि हमारे देहात साइड पर वो ये समझते हैं कि जल्दी शादी करने से ये है कि जरूर इंसान सोच तरह की चीज़ों से महफूज रहता है, लेकिन ये है इसके साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल कम उम्र की शादी हो जाए, बच्ची कम उम्र की हो, मच्योर ना हो, उससे ज़्यादा पता नहीं, जारी बात उसे नए घर में जाना है, नए लोगों में, यानी कि एक पढ़ी लिखी खातून जो है वो पूरा ख़ानदान को लेकर चलती है, तो अगर कम उम्र में शादी, इसलिए ये भी देखने में आता है कि कम उम्र में शादी में आपको डिवोर्स रेट भी आपको काफ़ी मिलता है, तो यही है कि बेहतर यही है कि आप अपने यानी कि फीमेल के पॉइंट से देखा जाए तो बच्चियों के पॉइंट से देखा जाए तो उनको पढ़ाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, जितनी ज़्यादा एजुकेट होंगी उतने उनके लिए आसानी होगी, यानी कि आपके यानी कि जो आपके जो मौजूदा हालात हैं उसमें भी और अपने नए घर में भी, लड़की का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है उनको अपने ससुराल में जाके बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, आप इनमें से कुछ मिसाइल बताना चाहेंगे कि उनको किन मिसाइल का सामना करना पड़ता है और वो किन मुश्किलात में फंस जाती है? काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं कम उम्र की शादी में, अगर जैसे आप बात कर रही हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कम उम्र की शादी में बहुत से ऐसे केसेस भी नज़र आते हैं जिसमें आपके मिसकैरेज वगैरह ये भी सारी की चीज़ें आ जाती हैं, अभी क्योंकि कम उम्र होती है वो कोई इतना नॉलेज नहीं होता है इन लोगों को, तो यानी कि आपको हर तरह से शादी से पहले एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, घर में बड़े होते हैं जो आपको आपके साथ होते हैं, आपको सारा कुछ हर किस्म से आपके साथ मशवरा करके सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी अखलाकी तौर पे देखा जाए तो यानी कि मेल और फीमेल दोनों को मैच्योर होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए हर लिहाज से, हर तरह से। जी तो नासीन, आपने लोगों के ख्यालात को सुना, खानदानी मंसूबा बंदी पर अमल करना और इससे मुतालिक बात करना इंतहाई जरूरी है, ये मुस्तकबिल की जामिया मंसूबा बंदी करने में नहायत ही मददगार साबित होगा। महकमा बहबूदी आबादी की महफूज और मुफ्त माने हमल अद्वियात और सहूलियात से फायदा उठाएं और जच्चा बच्चा की सेहत समेत अपने खानदान की खुशहाली का फैसला करें, क्योंकि छोटा खानदान ही खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद है। मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होती है एक और शो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगेबान।